हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप पस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपने फिल्म अग्निपथ तो देखी होगी। अग्निपथ फिल्म में ऋतिक रोशन की बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री भी काफी चर्चाओं में आई थी। दोस्तों आज हम आपको अग्निपथ में ऋतिक की बहन बनी इस अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अब काफी बदल चुकी हैं और आप इन्हें एक नजर में पहचान नहीं पाओगे। उससे पहले दोस्तों फिल्म अग्निपथ के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको बता दें कि अग्निपथ फिल्म में ऋतिक की बहन का किरदार कनिका तिवारी ने निभाया था और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और ये काफी सुपरहिट रही। आपको बता दें कि आज 9 सालों के बाद कनिका पहले से ज्यादा काफी बदल गई हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कनिका तिवारी ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली फिल्म से ही उन्हें काफी पसंद किया गया। उस वक्त कनिका की उम्र महज 15 साल थी। इस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन की बहन शिक्षा चौहान का रोल निभाया था। कनिका का जन्म भोपाल में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई। कनिका ने बताया था कि फिल्म के लिए 6000 लड़कियों का ऑडिशन हुआ था। आखिरकार मेकर्स ने उन्हें अग्निपथ के रोल के लिए चुना। उन्होंने दुखी और खुशी वाले दोनों ऑडिशन दिए थे। अग्निपथ के रिलीज के 9 साल के बाद कनिका हॉट और ग्लैमरस हो चुकी हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के लिए तस्वीरें और वीडियोस को पोस्ट करती रहती हैं। कनिका का ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ भी खास कनेक्शन है। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी उनकी कजन है। फिलहाल कनिका साउथ फिल्म की इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की फिल्में भी की है। तो दोस्तों आपको कनिका तिवारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।